माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर ही हैवानियत करे और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो डॉक्टर एक कलंक के रूप में भी जाना जा सकता है। ऐसा ही मामला बछरावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां एक प्रसूता की जबरदस्ती नॉर्मल प्रसव कराया गया, जिसकी खींचतान में बच्चे को चोटें आई हों और वह अंततः दम तोड़ गया। वहीं दूसरी तरफ प्रसूता के प्राइवेट पार्ट में कपड़ा डालकर टाके लगाने के भी आरोप सामने आए हैं, जिसकी शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। जिला अस्पताल जाते ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ महिला के प्राइवेट पार्ट में कपड़ा डालकर टाके भी लगा दिए। प्रसूता के भाई हरीश चौरसिया ने आरोप लगाते हुए कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने 5,000 की मांग की थी और जबरदस्ती प्रसव करा दिया, जिससे नवजात को चोटें आई और अतः दम तोड़ दिया। हम लोगों ने डॉक्टर व स्टाफ नर्स के खिलाफ बछरावा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिर क्या हुआ? इस दौरान सुबह 11 बजे लाने के पास 2 बजे तक किसी तरह से प्रशासन वहाँ अस्पताल प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाया। तब तक हम लोग भी अपने गांव से आए और डॉक्टर और उनके स्टाफ से निवेदन करते रहे। मेरी बहन को बहुत तकलीफ है, कृपया इसको सीजर या नॉर्मल डिलीवरी जो भी आपको उचित हो, क्योंकि डॉक्टर आप हैं, आप बेहतर समझे। कौन डॉक्टर थी वहाँ पर? डॉक्टर मामला आया है, जो कि जो है जीवो की कोई जो है प्रसूता है प्रसव के लिए आई थी 26 मई को, बल्कि उसका जो है कहना है कि जो है डिलीवरी जो कराई गई है वो जबरदस्ती कराई गई, जिससे जो है उसके बच्चे की मौत भी हो गई है। उसके जो है यूट्रस में कपड़ा डाला गया था, उसको बताया भी नहीं गया, उसको पढ़वाई गया। क्या कहना चाहते हैं सर? इसके हम नियमानुसार जाँच करा कर उचित कार्रवाई करेंगे। आदेश दे दिया है बताने, बच्चे की डॉक्टर और नर्स की वजह से खींचतानी में मौत हो गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं प्रसूता के घर वाले। नहीं, ठीक है, उस आरोप का संज्ञान लिया जाएगा, उसका भी उससे भी तहकीकात होगी और जांच होगी। इस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा में डॉक्टर व स्टाफ नर्स के मनमाने रवैये की शिकायतें आती रहती हैं। बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पैसे लेकर प्रसव कराने की भी शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। जब सरकारी डॉक्टर ही गरीब व आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और प्रदेश सरकार की मंशा पूरी होगी। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भ्रष्ट डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर कार्रवाई करते हैं या फिर क्लीन चिट देकर उसे खुलेआम भ्रष्टाचार की छूट का लाइसेंस दे देते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए रायबरेली से मनीष अवस्थी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।